टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज का मेरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मतलब कुछ मेरा आधे दिन के पहले का रहता है, कुछ मेरे आधे दिन के बाद का। तो ये मॉर्निंग का नहीं, मतलब 12 बजे के बाद का ही है, 2 या 3 बज रहे थे। तो मैं नहा धो कर आई थी और तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, आगे फिर अपना काम स्टार्ट करूँगी। अभी मुझे मतलब काफ़ी जगह ऐसा काम है। आपको मेरी शक्ल उतरी उतरी लग रही होगी ना, तो बस अभी मैं ना मतलब आरओ का बोल देखने गई थी, मतलब आरओ लगवाना है हमें, क्योंकि बिस्लरी बहुत महंगी पड़ रही है। और तो यही सोचा है, डॉक्टर ने ही बोला था कि आप घर जाओगे तो आपको आरओ का ही पानी पीना है, आपको नॉर्मल पानी नहीं पीना है मेरे हस्बैंड को। तो वही पता करने गई थी, वापस से उन लोगों ने बोला कि हम कल आके लगाएंगे। और 12-15 हज़ार का है। मैंने उनसे बात की थी कि अगर मतलब आधा हम अभी दे दें और आधा बाद में, तो उन्होंने कहा कि हम ऊपर बात करके बताएंगे, अगर आप देखो लग गया तो ठीक है, और नहीं लगा तो फिर हम ये बिस्लरी का ही पानी पियेंगे जब तक नहीं होगा। पर ये एकदम से 12-15 हज़ार हो रहा है। अगर वो इंस्टॉलमेंट में बोलेंगे कि हाँ थोड़ा आधा आप ही जमा कर दो, आधा बाद में, तो देखेंगे हम लगवा लेंगे। तो ये पता करने गई थी, अभी दोबारा से जाऊंगी एक बार और पता करने, मतलब हमारे थोड़ी सी दूर गई थी मैं, फिर जाऊंगी तो फिर, क्योंकि वहाँ पे तो बॉटल बड़ी वाली एक ले लेते थे 20-25 मतलब लीटर की, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना, क्योंकि वो 100 रुपये की आ रही थी। और ये यहाँ पे एक दो दो लीटर की, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वाली नहीं मिल रही है वो, तो या फिर किसी बहुत दूर के हॉस्पिटल में के पास ही जाओ तो शायद मिलेगी, यहाँ नहीं मिल रही हमारे यहाँ। तो बस वही हमने सोचा कि पता करेंगे हम अगर इंस्टॉलमेंट में आरओ लग गया तो। की बॉटल मंगवाई थी जो कि 5 बॉटल थी, और मेरे हस्बैंड को आपको पता है 5-6 लीटर पानी पीना पड़ रहा है, तो ये एक बॉटल 1 लीटर की 20 रुपये की आई थी, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब महंगी पड़ रही थी। और मतलब एक दिन ही ये बॉटल चल रही है सीधे बिस्लरी की है, जो कि अभी मंगवाई थी यहीं पास की दुकान से। कुर्सी एक के ऊपर एक रख दो, पूरा ऊपर इतना सारा काम फैला लिया था, और मुझे मतलब इसको देख इतना ज़्यादा, ये देखो देवू का झूला है, छोटा सा झूला है, कहाँ घुसा था, तो देवू झूलता भी है बचपन का, पता नहीं वो झूलेगा कि नहीं झूलेगा। और मैं तो अभी अभी आप लोगों से ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना अपने, तो ये सब था। और देखिए आधा रूम मैंने मतलब जो मेरा वीडियो है वो कल का था, मतलब कल सारा सामान बाहर हमने निकाल लिया था, और बाकी है जो आज आप लोग से थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने नहाने से पहले ये सब डस्ट वस्ट वाला कर लिया। सोच रही हूँ जितनी जल्दी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कोई मिलने नहीं आएगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग जो मिलने आ रहे हैं, तो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते कि हमसे मत मिलिए, हालांकि दूर रहते हैं फिर भी। और तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ही 3-4 दिन में ये काम निपट जाए, उसके बाद से फिर हम यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे लिए खासकर मेरे हस्बैंड को लेकर डस्ट से बहुत बचना है, हर चीज़ के इन्फेक्शन से लेकर। तो वही चीज़ है, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हालांकि मुझे इतना टेंशन है, ये बता रही, इतना टेंशन है, बहुत टेंशन है इस चीज़ को लेके कि कैसे मैनेज होगा कैसे नहीं होगा। फिर भी आज से कोशिश की है मैंने, और अभी से जो हेल्पर थी आंटी थी वो 2 बजे आई हैं, तो अब देखो सारा सामान अब तक खाली होता है। मतलब कुछ कुछ रह गया था, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि इतना सब निकालने के बाद मैं कुछ करूं। और मतलब जो मेरे देवर थे उन्होंने मेरे साथ हेल्प कराई थी सामान निकलवाने में बाहर, ये ऊपर के निकलवा रही हूँ। फिर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हालांकि हैवी आइटम मैंने नहीं उठाए थे, भैया ने ही उठाए थे, और मैंने हल्का फुल्का नॉर्मली से किया। उस समय मेरे फ़ोन में मतलब बैटरी नहीं थी, और मेरा चार्जर भी पता नहीं था, सच में नहीं था, फ़ोन इतना हैंग कर रहा था। फिर इस फ़ोन को रिपेयर करने डाला है, उसके बाद फिर चार्जिंग हुई है, उसके बाद फिर मैं ये ब्लॉग शूट कर पाई हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ को लेके परेशान थी, मोबाइल को लेके, काम को लेके, चार्जर को लेके, थोड़ा सा रहता है ना माइंड में। और फिर यही हमारे मतलब
ऐसे ही मोहल्ले की लड़की है तो वही आ गई थी कि क्या हो रहा है करके, तो मैंने कहा बेटा ये पकड़ ले, क्योंकि बार बार मैं नीचे रख रही थी तो मुझे मतलब थोड़ा सा वो लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। और जो भी मैं सामान उतार रही हूँ वो हल्के थे, बाकी सब अपने अपने काम तो है ही। और बहुत सारे मुझे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना है, बारी बारी से हर एक दिन दूंगी, क्योंकि अभी मैं सच में आप लोगों के कमेंट भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मुझे लग रहा है कि मतलब एक दिन सच में YouTube से छुट्टी ले लूँ और वीडियो ना डालूँ, पर सोचती हूँ अगर मैं एक दिन नहीं डालूँगी तो मेरे काम की छुट्टी हो जाएगी और फिर मेरा ही नुकसान होगा। आपको पता है कि हमारी मेडिसिन है, अभी मेरे हस्बैंड को 6 महीने बाद हैवी डोज वाली मेडिसिन जानी है, तो मुझे तो एक क्या दो दो वीडियो डालना चाहिए, पर इतनी भी मुझसे एक वीडियो डालने की हिम्मत नहीं होती है। फिर भी मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और ये थोड़ा बहुत सामान किचन का रखा हुआ था तो आज मैं उनको बाहर निकाल रही हूँ, जो कि हल्का हल्का था, लाइटली सामान है ये, मतलब कुछ मेरी चूड़ी बूढ़ी वाले सामान थे जो कि मैंने अंदर ही रख दिए थे, चूड़ी बूढ़ी बाहर निकाल के नहीं रखी थी, तो ये सारा सामान बाहर निकल गया है, डस्ट वाला काम हो गया है ख़त्म। अब कल या परसों से पुताई चालू होगी, और जो बाहर रखे हुए थे बर्तन रखे थे तो मैं उनको बोरी में भर रही थी ताकि मतलब जो फैला हुआ है तो थोड़ा सा समट जाएगा तो ठीक रहेगा, वरना वो फैला रहेगा तो और फैल जाएगा। तो वही सब चीज़ एक एक करके मुझे को ही निपटाना है। और हमारे यहाँ पे कोई हमसे पूछने आ गया था कि तुम कैसी हो, ठीक हो, मैंने कहा हाँ देख रही हो ना, बोले हाँ तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाली हो जी ये सब कर रही हो, तुम्हारे जैसे कोई नहीं सोच सकता है। मैंने कहा ठीक है, होना भी चाहिए है ना, यही सोच बदलनी चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और नारी शक्ति तो ऐसी शक्ति है जिसमें कि, पर क्या है कई लोग दिखाते हैं अपनी शक्ति, कई लोग नहीं दिखाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से काम स्टार्ट करूँ कहाँ से एंड करूँ, तो बस इन्हीं सब चीज़ों में सोच सोच के ये बातें भी कर रही थी, वो बातें भी कर रही थी, अपना काम भी कर रही थी। हालांकि अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके अभी भी रखी हूँ कि ताकि आने वाले समय में कमज़ोर ना पड़ूँ, है ना, धीरे धीरे ये काम निपट जाएंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपका यूँ सपोर्ट बना रहेगा। तो और प्लीज़ यार मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करूँ जरूर करिएगा। और प्लीज़ आप लोग ना लाइक नहीं करते, मुझे पता है आप लोग मुझे इतने लोग सपोर्ट तो करते हो पर लाइक बहुत कम लोग करते हैं, लाइक करने से मुझे कुछ नहीं होता, मैं बार बार यही कहती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। चलो बाकी काम तो मैं कर लूँगी, बाकी मेरे काम भी होते रहेंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान मैंने फैला लिया है, मतलब इतना सामान है कि अब देख के चक्कर आ रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सब चीज़ में इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतनी डस्ट है इसका कोई हिसाब नहीं है, कपड़े हो चम्मच हो इतने सी चीज़ से लेके इतना बड़ा तक सब चीज़ में डस्ट है। अब इसको बाहर से रखना है वापस, सारी चीज़ें कैसे होगा कैसे नहीं होगा, देख देख के इतनी थकावट लग रही, इतनी नींद आ रही है, तीत लग गया क्यों देवू। तो अभी बस ऊपर से मतलब सारा काम करके आए हैं और अभी नाइट का समय हो रहा है, करीब शाम के 5-6 बज रहे होंगे, तो बस अभी मुंह हाथ धुल के आई हूँ और ये देवू को थोड़ा सा मतलब खाना खिला रही थी, तो अभी बस अभी फ्री हुई हूँ। और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोग अच्छे से कमेंट देख पाऊँ, सच में ना रिप्लाई करने का टाइम मिल रहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी 3-4 दिन में बहुत बिज़ी, शायद बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ, पता नहीं मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम मिल पाएगा उस टाइम की नहीं, पर कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ सच में भी कि यहाँ वहाँ कैमरा रखना बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरे लिए, फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप तक
अपनी वीडियो अच्छे से पहुंचा पाऊं और इसको एडिटिंग करना, इन सब चीज़ को मेरे बहुत, तो भी मैं इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर है ना दिमाग में कि मत पूछिए सच में। अभी देखूँगी कल से, मतलब कोई मेरे साथ हो गया हेल्पर के लिए, आप लोग के कमेंट देखे तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा और इतनी अच्छी अच्छी आपने विशेस दी मुझे। तो कल से का देखूंगी और पक्का आपकी बात मानूंगी। आज का वीडियो तो एडिटिंग हो गया ना ही कोई मतलब मेट थी, पर कल के लिए मैं कोशिश यही करूंगी कि हो सके। चलो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।